भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। हरविंदर कल्याण को बनाया गया हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। देवेंद्र फडणवीस बोले, भारत में जब तक बीजेपी है तब तक कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से भरा नामांकन। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को एससी से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शूटर हुए गिरफ्तार, पुलिस ने पंजाब और अन्य राज्यों से शूटरों को दबोचा। मनसुख मांडविया के घर के बाहर बैठे कई पहलवान, वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम भेजने की गई मांग। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सुपरमार्केट में चाकूबाजी की घटना, चार लोग हुए घायल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होने वाली है। मुंबई से कांडला की फ्लाइट में मिली बम की धमकी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।